मैं इस वक्त रामपुर के आरएन मोटर्स पर हूँ। आप देख सकते हैं कि न्यू क्वालिटी अलग उनके अंदाजे जिस तरीके से अंदाज दिया गया है स्कूटर का 110 cc में पहली बार हीरो ने जो है पूरी तरीके न्यू लुक में स्कूटर निकाला है। निर्मल एजेंसी है जो आरएन मोटर्स है उस पर खुद निर्मल सिंह जी जो है यहाँ पर मौजूद रहे हैं, उनके मालिक हैं यहाँ पर। इसके अलावा आरटीओ रामपुर इस लॉन्चिंग में उन्होंने जो है इसमें मुख्य अतिथि के रूप में लॉन्च किया है और इसके फ्यूचर के बारे में खुद शिवम जी ने बताया है। तो कुल मिला के जो खूबसूरती के साथ इस स्कूटर को लॉन्च किया गया है तो लोगों को फायदा हो सके, इसके साथ ही माइलेज के बारे में बात करें और कीमत के बारे में, क्योंकि आज के टाइम में 1 लाख से ऊपर ज़्यादा की जो है कीमतों के जो है आंकड़े हैं, मगर कम बजट में जो है कि अच्छा स्कूटर निकाला तो लोगों से एक बार हम खुद कहेंगे, अपील करेंगे कि वो आए यहाँ पर एक बार इस स्कूटर के बारे में, इसके बारे में फ्यूचर जाने इसके और इसके बारे में पूरी तरीके से जानकारी लेने के बाद इसके एक बार ज़रूर लें, क्योंकि अच्छा फ्यूचर के साथ साथ जो है स्कूटर निकाला गया है, क्वालिटी भी जो है, और इसके बाद करें माइलेज की तो माइलेज में भी जो है दमदार जो है स्कूटर दिख रहा है। 110 cc का ये स्कूटर धूम मचाने वाला है। ये 110 cc स्कूटर निकाला है जो कि 125 cc स्कूटर को भी टक्कर देता है फीचर्स में। इसमें अगर मैं बात करूँ आपसे, एक कंपनी का ये फीचर है कॉर्नरिंग लाइट्स का, हीरो इंटेलिजेंट कॉर्नरिंग लाइट्स। ये इस टू व्हीलर इंडस्ट्री का एकमात्र ऐसा फीचर है जो सबसे पहला हम हीरो जूम स्कूटर में दे रहे हैं। और अगर इसकी आप देख सकते हैं, इसके लुक दो कलरों में आगे से मौजूद है जो कि इसको स्टाइलिश बनाता है। इसकी कीमत मात्र 68,000 से शोरूम प्राइस स्टार्ट होती है। इसमें आपका 5 लीटर टंकी है पेट्रोल के लिए, साथ ही साथ ड्यूटी स्पेस, इसमें आप एक पूरा हेलमेट रख सकते हैं। जो सर माइलेज की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी इसका 58 किलोमीटर प्रति घंटा की माइलेज का दावा करती है और साथ ही साथ इस स्कूटर रेंज में बेस्ट पिकअप है। मात्र 9 सेकेंड में ये स्कूटर 60 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड में पकड़ लेता है। तो पिकअप में दमदार है, माइलेज में दमदार है, बेस्ट क्वालिटी है। इसमें नई जनरेशन के लिए जो बेसिक नीड है लोगों की, जो रिक्वायरमेंट होती है, आई थिंक उस व्हीकल्स में सारी नीड्स को पूरा किया गया है। और मैं बस इतना ही कहूँगा कि बाइक तो आप लें या स्कूटी कोई भी चीज़ लें, मगर 2-3 चीज़ों का आप ध्यान जरूर रखें कि एक तो अपने जो है सारे पेपर्स कंप्लीट करा लें और बाइक को जो है बिना हेलमेट का संचालन न करें, क्योंकि आज का सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि हमारी जो नई टेक्नोलॉजी जितनी भी आ रही है उनमें बहुत सारी खूबियाँ भी हैं और स्पीडी बाइक हैं सारी। ठीक है तो आज की नहीं है क्योंकि आप मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ आरएन मोटर्स पे हैं, तो क्या एक मैसेज है आपका? एक मैसेज है कि यही लोगों को कि इस नई बाइक को ज़्यादा से ज़्यादा परचेस करें और इसका लाभ उठाएँ। देखिए ये जो हमारी अभी आज हमने जूम लॉन्च करी है यहाँ पर, और ये सारी की सारी जो 125 सीसी में लोगों ने दी है और हमारे कंपटीटर ने, उसको ध्यान में रखते हुए हमने 110 सीसी में ये सारी की सारी खूबियाँ दे दी हैं। सबसे बड़ी जो खासियत है इसकी कि इसके सबसे बड़े चौड़े टायर हैं जो कि आपको 125 सीसी में मिलेंगे, चौड़े टायर और हाइड्रोस्कोपिक इसका जो फ्रंट शॉकर है, इसकी वजह से बिल्कुल भी कोई झटका नहीं लगेगा और बहुत ही स्मूथली गाड़ी चलती है। सेकंड जो है इसकी एवरेज के बारे में मैं आपको बता दूं कि एवरेज इसकी जो है कंपनी द्वारा तकरीबन 58 किलोमीटर की निर्धारित की गई है, और ये डिपेंड करता है कि अगर हम बहुत अच्छी तरीके से चलाएं तो इससे भी ज़्यादा इसकी एवरेज ले सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इसमें और भी बहुत सी खूबियाँ हैं। सबसे बड़ी खूबी जो पेटेंट है वो ये है कि अगर आप 15 किलोमीटर की स्पीड होगी और आप अगर चल रहे हैं, आप किसी तरफ को मोड़ते हैं, टर्न करते हैं, तो अपने आप जो है उधर का सिग्नल अपने आप हो जाता है। ये एक पहली बार स्कूटर इंडस्ट्री में इस तरह का आया है, कहीं पर भी इस तरह का नहीं है कि आप मोड़ते हो और खुद ब खुद जो है उसका सिग्नल हो जाता हो। इसकी जो स्पीड है वो तकरीबन 9.35 सेकंड के अंदर 60 किलोमीटर की स्पीड पकड़ लेती है। तो जो सारी खूबियाँ हैं सब कुछ निचोड़ इसके अंदर डाल दिया गया है हीरो ने, और अब जो है ये मान करके चलिए कि ये जो गाड़ी है ये इस स्कूटर इंडस्ट्री में धूम धड़ाका करने वाली है, और आगे जा करके ये ही जो है न्यू जो है लोगों का आने वाला भविष्य है।